क्या आपको पता है कि YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज कार्टून वीडियोस पर आते हैं जो कि मिलियंस में होते हैं और इनकी जो अर्निंग है वो लाखों में होती है। और इस तरीके की वीडियोस आप अपनी मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हो और YouTube से इनकम जनरेट कर सकते हो। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप अपनी खुद की कार्टून स्टोरी क्रिएट कर पाओगे और यूट्यूब से इनकम जनरेट कर पाओगे। और उसी के साथ एक ऐसी AI वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा कार्टून के लिए स्टोरी क्रिएट करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो स्टोरी लिखने के लिए हम ChatGPT का यूज करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ChatGPT के बारे में पहले ही पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोमो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर अनक्लिक है तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना, देन वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बॉटम में सेंड मैसेज का एक ऑप्शन शो रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इसे जो भी कमांड दोगे वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। और तो सिंपली हम इसे एक स्टोरी लिखने के लिए बोलेंगे जो 200 वर्ड्स की होनी चाहिए, तो ये हमें कुछ ही वक्त के अंदर स्टोरी लिख के दे देगा। और यहाँ से आप अपनी स्टोरी की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ट्विनक्राफ्ट ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मल्टीपल बैकग्राउंड और कैरेक्टर शो हो जाएंगे। उसी के साथ इसके अंदर आप ऑडियो एडिट कर सकते हो और इससे आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो जो कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। क्रोमाटोन इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर पाओ। यहाँ पर आपको अलग अलग बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी वीडियो को पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। MJOC2 ये एंड्रॉयड वेबसाइट भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल एनिमेशन मिल जाते हैं, इसके ऊपर आप वॉइस ओवर कर सकते हो और अपनी ऑडियो को एडिट भी कर सकते हो। बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है और इसकी मदद से आप ढेर सारे अमेजिंग वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। Adobe Express बेसिकली एक AI वेबसाइट है और यहाँ पर आपको मल्टीपल एनिमेशन कैरेक्टर मिल जाते हैं जिन्हें आप फ्री में यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो या फिर वॉइस फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और इसे यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसे आप अपनी मोबाइल की मदद से एक्सेस कर सकते हो। Prisma 3D ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप अपने एनिमेशन खुद क्रिएट करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप उसे क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपना एनिमेशन कैरेक्टर क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।